हरदोई में बीती 22 मार्च को मंझला थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर के बाद लगातार पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार करने का दबाव बना हुआ है और एसपी ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें बनाई थीं, जो आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में रात दिन एक किए हुए थी। मंझला डबल मर्डर केस में मंझला पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से डबल मर्डर में प्रयोग की गई हॉकी व पेचकस भी बरामद किया है। बताते चले कि 22 मार्च को ग्राम पंचायत पारा के रहने वाले अधिवक्ता अमित शुक्ला व पारा ग्राम पंचायत के प्रधान नंदलाल के भतीजे रमाकांत कुशवाहा की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मंझला पुलिस ने मृतक अमित शुक्ला के पिता की तहरीर के आधार पर धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। अमित शुक्ला हत्याकांड के बाद से लगातार पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसमें पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लग गई। ये दिनांक 22 मार्च को ग्राम पारा के 2 व्यक्तियों की हत्या की गई थी थाना मझला में। उसमें 10 लोग नामजद हुए थे। विवेचना से उसमें कुछ और नाम प्रकाश में आए हैं और आज पुलिस द्वारा उनमें से 4 नामजद लोग को अरेस्ट किया गया है। पूछताछ से मिली सूचना और मुखबिरों की सूचना के आधार पर शाम को सूचना मिली कि एक अन्य नामजद व्यक्ति कल्लू और जो कि पारा गांव का ही रहने वाला है, वो कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस द्वारा उसको थाना मझला क्षेत्र में ही घेराबंदी की गई, जिस पर उसने पुलिस पर फायर किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।